हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मेरे चैनल का नाम है कॉलेज एडमिशन। आप लोगों ने मेरे चैनल पे पहले सब देखा हुआ है कि हम लोग हर जो एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या डेट है, सब चीज अपडेट करके रखते हैं अपने चैनल पे। और कॉलेजेस को रिव्यू देना, कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो वैसे ही इस वीडियो में एक और कॉलेज के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। मोस्ट प्रॉबली जब बच्चे कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, अभी मैं MBBS की बात कर रही हूँ, MBBS में क्या होता है कि बच्चों को सिलेक्शन करने में इश्यू होता है कि अगर क्या स्कोर आना चाहिए, क्या फी स्ट्रक्चर है, उसके लिए आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी। एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में MBBS का एक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये। अब 2024 में नीट होगा, उसके लिए बच्चों को पता होना चाहिए कि कितना कट ऑफ आना चाहिए उस कॉलेज के लिए, कितना फी स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देखिए पूरी एंड तक। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है, झांसी में ये कॉलेज है। पॉपुलर नेम है MLBMC। एक्चुअली कॉलेज बहुत पुराना है, 1968 से कैंपस बना हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत ही बड़ा कैंपस है। हर एक तरीके का मेडिकल से रिलेटेड कोर्स रन होता है, OPD से ले लो चाहे हॉस्पिटल ले लो, हर चीज बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस स्ट्रक्चर तो कम है ही। तो पहले हम वीडियो की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैंपस के बारे में, फिर आपकी कट ऑफ में आपको बताऊंगी, फिर इसका फीस स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी। ये जो कॉलेज है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के नाम पे कॉलेज का जो नाम है वो रखा गया है। MBBS की 150 इनटेक है और PG भी रन करते हैं। आपको एक बात बता देती हूँ, एक्चुअली जब ये कॉलेज 1968 में बन रहा था, कंस्ट्रक्टेड हो रहा था, बना नहीं था पूरा, तो इसके 51st बैच जो था उसके 50 स्टूडेंट जो थे वो LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में थे। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो गया उसके बाद उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे बिल्डिंग रेडी हो गई इसकी। एफिलेटेड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड NMC NMCI बोथ। और आपको एक चीज बता दूं, सबसे वॉल एरिया जो है सबसे बड़ा है मेडिकल कॉलेज में अब तक, ये मैं आपको बता दूं इसका जो वॉल एरिया है। और कैंपस जो है 24 एकड़ में कैंपस बना हुआ है, और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल जो है लार्जेस्ट हॉस्पिटल है इसका जो रन करते हैं, ये UP में मेडिकल कॉलेजेस जो रन करते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि 700 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, उसके बाद UP भी कवर कर रहा है और MP के कुछ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी बॉर्डर पे, वो भी कवर कर रहा है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। फैसिलिटीज की बात करते हैं तो ऑडिटोरियम है, AC रूम है, लेक्चर रूम है, लैब है, लाइब्रेरी है, ब्लड बैंक है, डॉक्टर्स का रेजिडेंस भी है वहां पे हॉस्टल के साथ, सब चीज है, क्योंकि कैंपस के पूरा अलग अलग एरिया अलग अलग वहां पे है, आपको देखने को मिलेंगे। एडमिशन प्रोसेस ये है इसका, आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरीज का बहुत फर्क पड़ता है, जब आप कट ऑफ में आपको बताऊंगी तो सबसे ज्यादा कैटेगरीज का फर्क पड़ता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 42,000 फर्स्ट ईयर में जनरल बच्चे को देना है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को, उसमें सब चीज इंक्लूडेड है, हॉस्टल से लेकर सब चीज। और जो SC ST हैं उनको 33,000 रुपीज देने हैं। बात करते हैं, देखिए क्या होता है हॉस्टल, क्या है वही सिनेरियो जो आपको जो प्राइवेट में होता है, सिंगल बेडेड है, डबल बेडेड है, फिर मेस है, ये सब चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, देखो बुक्स आपको लेनी है एंड मैनुअल्स आपको लेने होते हैं, और जो एक्स्ट्रा आप एक्सपेंस बोल लो, मैंने आपको बता दी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बुक्स हो गया आपका, मैनुअल्स हो गए, और भी कुछ चीजें होती है, यूनिफॉर्म हो गई, ये सब तो देखो आपको खुद एक्सपेंस से लेने होते हैं। और जो जो चीजें इसमें इंक्लूड होती है जैसे हॉस्टल हो गया वो सब हम मैं आपको बता दिया मैंने आपको, बाकी आप कॉलेज जाओगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले देखो जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो कॉलेज लेके जाना होता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अपने, जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है, काउंसलिंग ऑल इंडिया से होता है आपका या स्टेट राउंड से होता है, वो डिपेंड करता है। बात करते हैं सबसे मेन कट ऑफ की, कट ऑफ की देखो 2023 की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के बच्चों को 639 पे मिला था। और आपको एक बात बता दूं, जनरल में तो आपको 600 प्लस स्कोर रखना ही है, 650 640 तभी आपको मिल पाएगा। SC ST के लिए बेनिफिट ये है 450 480, बिकॉज इस साल कट ऑफ हाई गई थी, लास्ट ईयर ये 450 पे भी बच्चों का SC कैटेगरी मिल गया था, तो मेन कंसर्न है 450 480 अगर आपका आता है SC ST वालों को, तो चांसेस बन जाते हैं आपको कैंपस मिलने के, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज मिलने के। तो जैसे मैंने आपको बताया हॉस्टल का सिनेरियो कि आपको डबल बेडेड सिंगल बेडेड, मेन क्या है जब फर्स्ट ईयर में हो तो डबल बेडेड आपको मिलेगा, सेकंड ईयर में आ जाओगे तो सिंगल बेडेड आपको मिल जाएगा, ये चीजों का ध्यान रखना है। और मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है,
किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है 2024 से रिलेटेड, किसी को कोई भी काउंसलिंग चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, मेरा पर्सनल नंबर है। लाइक शेयर कमेंट करना मेरी वीडियोस को ना भूलिए। और मैं हमेशा से कहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स है थैंक यू सो मच, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और हम लोगों की बहुत मेहनत लगती है, कॉलेजेस पहले हम लोग खुद जाते हैं चेक करते हैं तभी हम आपको रिव्यू देते हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियोज में ये चीजें बताई हुई हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो कॉलेज एडमिशन।